नमस्ते बच्चों, आज हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो यूनिट 2 का जो चैप्टर इंटरव्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, साक्षात्कार, उस चैप्टर को और आगे हम बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ वॉइस क्लिप आपको भेजा था, जिसमें टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो है उसके बारे में आप लोगों ने जाना था, और उसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में आप लोगों ने जाना था। उसके पहले मैंने इंटरव्यू क्या है, मीनिंग, उसके डिफिनिशंस और उसके नेचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू जो हम लोग करते हैं उसके लिए जो परिस्थितियाँ बनती हैं। यदि हम टॉपिक की बात करें तो आज हम दो चार टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू चैप्टर को आज हम लोग कोशिश करें कि समाप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला चैप्टर मैं ये शुरू करना चाहता हूँ कि एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए सक्सेसफुल इंटरव्यू। मतलब साक्षात्कार के लिए ऐसी कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, ऐसे कौन कौन से ज़रूरत वाली परिस्थितियाँ हैं जिसका होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो मूल रूप से साक्षात्कार, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, मूल रूप से संरचित और असंरचित साक्षात्कार कंडक्ट करवाए जाते हैं। सामान्य तौर पर असंरचित ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो चाहे किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार क्यों ना हो, हर साक्षात्कार के लिए कोई ना कोई विशेष परिस्थितियों का होना बेहद ज़रूरी है। तीन प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहली परिस्थिति बताई गई है अधिगम्यता। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अधिगम्यता। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी बोलते हैं इसको, अधिगम्यता। अब ये अधिगम्यता क्या है, ये कौन सी परिस्थिति है साक्षात्कार के लिए? इसमें कहा गया है कि किसी साक्षात्कार की सफलता इस बात पर में निर्भर करता है कि साक्षात्कार में पूछी गई सूचनाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सूचनादाता के लिए आसानी से अभिगम्य हो या आसानी से प्राप्त करना संभव हो। दूसरे अर्थ में पूछी गई सूचनाओं का स्वरूप जो साक्षात्कार ले रहा है, साक्षात्कारकर्ता, यदि सूचनाओं का स्वरूप ऐसा है जिसके माध्यम से साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति आसानी से बिना किसी भय के, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी झंझावात के वह अपने उत्तरों को बेझिझक बोलता है, तो इस परिस्थिति को हम अधिगम्यता बोलते हैं, एसेसिबिलिटी बोलते हैं। इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें साक्षात्कार में जिस प्रकार का साक्षात्कार आप ले रहे हैं, जिस विषय से संबंधित या जिस समस्या से संबंधित साक्षात्कार काउंसलर्स के द्वारा लिया जा रहा है, बात वहां आके रुकती है कि जो भी समस्या से संबंधित क्वेश्चंस हैं आपने जो बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, वो क्वेश्चन जब आप साक्षात्कार लेते समय पूछते हैं रिस्पोंडेंट से, सूचनादाता से, तो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन की जो समझदारी है समझने की, या उसका जो मीनिंग है, उसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, या नेचर है, वो क्वेश्चन का नेचर, वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन का मीनिंग जो है वह सूचनादाता अच्छे तरीके से समझे या समझ जाए, इसी को बोलते हैं अधिगम्यता। क्योंकि ऐसा ना होने से वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती या उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। तो पहला परिस्थिति हो गया अधिगम्यता। अब दूसरा परिस्थिति है संज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कॉग्निशन बोलते हैं, संज्ञान, जिसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। ये कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन हम लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा है, साइकोलॉजी में पढ़ा है, लेकिन साक्षात्कार के संदर्भ में कॉग्निशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है संज्ञान से तात्पर्य? यहाँ यह है कि रिस्पोंडेंट को पूर्ण रूप से ये ज्ञात होना चाहिए कि उससे क्या पूछा जा रहा है या किस ढंग की सूचनाएं
उससे अपेक्षित की जा रही है। साक्षात्कार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सूचनादाता को इस तरह का नॉलेज हो, इस तरह का संज्ञान हो कि वह यह पता हो कि वह क्या कहने जा रहा है और किस सूचना को वह किस संदर्भ में कहने जा रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सूचनादाता को इस आशय का या उस कॉन्सेप्ट का समुचित ज्ञान ही नहीं होता कि वह जो सूचनाएं दे रहा है उसे पूछा गया भी है या नहीं, यानी कि साथ ही साथ उसे इस तथ्य का भी ज्ञान नहीं होता है कि उसके द्वारा दी जा रही सूचना संदर्भित है या नहीं। ऐसी अवस्था में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह सूचनादाता में उचित संज्ञानात्मक ज्ञान उत्पन्न करे ताकि साक्षात्कार को सफल तरीके से संपन्न किया जा सके। मतलब संज्ञान का मतलब यह हुआ कि जो क्वेश्चन साक्षात्कारकर्ता के द्वारा पूछा गया, सूचनादाता ने उस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझा, उसके भाव को भी समझ लिए, लेकिन अब जब वह आंसर दे रहा है, जब वह अपनी सूचना प्रकट कर रहा है, तो क्या वह आंसर उस क्वेश्चन से संदर्भित है या नहीं, या जिस समस्या से संदर्भित प्रश्न पूछा गया है उस समस्या से संदर्भित आंसर वो दे रहा है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है काउंसलर के डर से या साक्षात्कर्ता के डर से जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो सूचनादाता है, जो प्रत्यर्थी है, क्लाइंट है, वह भयभीत हो जाता है या थोड़ा सा तनावग्रस्त में आ जाता है और कुछ देर के लिए वो इनोसेंट हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, या हमसे क्या पूछा गया और हम क्या जवाब दे रहे हैं। मतलब विषय से संदर्भित उत्तर आप दें, ये जो संदर्भित उत्तर देना है यदि आप नहीं दे रहे हैं तो साक्षात्कारकर्ता जो है, इंटरव्यूअर जो है, उसका यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक जो एक मोटिवेशन है, संज्ञानात्मक जो एक योग्यता है छात्र के अंदर छुपा हुआ या क्लाइंट्स के अंदर छुपा हुआ, उसको वह बढ़ाए। कौन बढ़ाए? इंटरव्यूअर, साक्षात्कर्ता, साक्षात्कारकर्ता बढ़ाए, जो साक्षात्कार ले रहा है वो बढ़ाए। तो कभी कभी ऐसे में इसमें यह भी देखा गया है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा छात्र ने समझ भी लिया, थोड़ी देर वह क्वेश्चन से संदर्भित आंसर दे रहा है, लेकिन धीरे 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 वह भटक गया। तो जब भटक जाता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सही सूचना नहीं दे रहा है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता जो है वह जानता है कि इसका लेवल क्या है या यह क्या उत्तर देगा या कितना उत्तर देगा, उत्तर संदर्भित है या नहीं है। क्योंकि जितने भी पैनलिस्ट बैठते हैं साक्षात्कार में वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। काउंसलर ही जो है, यदि एक निर्देशन करता, परामर्शदाता किसी क्लाइंट से संबंधित समस्या के समाधान के लिए उससे सूचना कलेक्ट करना चाहता है थ्रू इंटरव्यू, तो वह जानता है कि इस समस्या से संबंधित जो समाधान है वह इसके अंदर ही छुपा हुआ है और वह अंदर जो छुपा हुआ है उसकी सूचना हमें पक्के तौर पर प्रॉपर वे में हमें कलेक्ट करनी है। यह कोशिश जो है यह साक्षात्कारकर्ता के द्वारा किया जाता है। तो दूसरी जो परिस्थिति हुई संज्ञान, इस परिस्थिति का भी निर्माण करना इंटरव्यूअर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह ऐसी परिस्थिति को निर्माण करे। क्योंकि क्लाइंट्स इनोसेंट है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन वह परिस्थिति के अनुसार, संदर्भ के अनुसार उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात आई है मोटिवेशन की। परिस्थिति जो साक्षात्कार की होती है उसमें मोटिवेशन का होना कितना जरूरी है ये आप समझिए। किसी भी साक्षात्कार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सूचनादाता वैसी सूचना देने के लिए अभिप्रेरित हो जो उससे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। एक साक्षात्कारकर्ता का यह प्रयास होता है कि जो व्यक्ति अपनी सूचना हमें दे रहा है या अपने विषय के ज्ञान का प्रदर्शन साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर रहा है, कहीं उसमें रुकावट तो नहीं है या कुछ उसे ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं अच्छे से जवाब नहीं दे रहा हूँ, या मुझको देख करके जो पैनलिस्ट है या मुझको देख करके जो काउंसलर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि
बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, मुख मुद्रा, एक्सप्रेशंस, गेस्चर पोस्चर, बोलने का तरीका, हेजिटेशन, ये सब सारे चीजें अपने आप अभिव्यक्त कर देता है साक्षात्कारकर्ता के सामने कि व्यक्ति किस वे में जा रहा है, क्या उसे मोटिवेशन चाहिए। अक्सर देखे होंगे यदि कोई व्यक्ति क्वेश्चन का आंसर दिया लेकिन बीच में कहीं रुक गया तो साक्षात्कारकर्ता, हाँ आप अच्छे से बोल रहे हैं, थोड़ा और प्रयास करिए, मतलब पॉजिटिव सेंस में, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत साक्षात्कार में तो कुछ लोग हिंट्स भी दे देते हैं, तो ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन यदि साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता के द्वारा दिया जाता है तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और साक्षात्कार वेल ऑब्जेक्टिव्स, जो वेल गोल्स है, उसको प्राप्त कर लेता है। कहा भी गया है, एरोनसन जो हैं वो कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कार के शुरू में सूचनादाता के पास अपने आप में एक अभिप्रेरणा पहले से होती है, लेकिन जैसे जैसे यह अभिप्रेरणा समाप्त होने लगती है तो ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार की सफलता पर संदेह प्रकट होने लगता है और ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता में उच्च अभिप्रेरणा, हाई मोटिवेशन बनाए रखे, और इसके लिए यह आवश्यक है कि सूचनादाता को यह महसूस कराए कि साक्षात्कार के लक्ष्य या सूचनादाता के लक्ष्य एक समान हैं। जिस समस्या के समाधान के लिए या जिस प्रकार की सूचनाओं का प्रदर्शन करने के लिए साक्षात्कार के समय सूचनादाता उपस्थित हुआ है या काउंसिलर जो सूचना प्राप्त करना चाह रहा है, दोनों में एक ऐसा पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं चाह रहा हूँ या जितना मैं चाह रहा हूँ मुझे वो प्राप्त हो, या जो व्यक्ति देना चाह रहा है उसे भी ऐसा लगना चाहिए कि जो व्यक्ति हमसे पूछ रहा है उससे संदर्भित जितना उत्तर हमें देना चाहिए मैं संपूर्ण उत्तर दूं, तभी तो साक्षात्कार के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे, और इसके लिए मोटिवेशन का होना बेहद जरूरी है। तो आज हमने पहले टॉपिक के माध्यम से एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिस्थितियां में हमने तीन परिस्थितियों के बारे में समझा, अधिगम्यता, एसेसिबिलिटी, संज्ञान, कॉग्निशन, और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में समझा। अब हम लोग बात करेंगे साक्षात्कार जब होती है या साक्षात्कार जब कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कुछ ऐसे स्रोत हैं, यानी साक्षात्कार में त्रुटियों के प्रमुख स्रोत, कुछ गलतियां होती हैं, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एरर्स इन इंटरव्यू, मतलब मेरा टॉपिक दूसरा टॉपिक हुआ साक्षात्कार में त्रुटियों के प्रमुख स्रोत, गलतियों के प्रमुख स्रोत, अंग्रेजी में इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स इन इंटरव्यू। साक्षात्कार करते समय ऐसे कौन कौन से एरर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से गलतियां होती हैं जो साक्षात्कार की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, इस विषय को। सबसे पहली बात हम करते हैं साक्षात्कारकर्ता का स्वभाव, इंटरव्यूअर्स मेक, साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर जो है उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है कि साक्षात्कार में त्रुटियों के उत्पन्न होने का एक मुख्य स्रोत, एक सोर्स खुद साक्षात्कार लेने वाला है, मतलब जो काउंसलर है वह भी एक प्रकार का त्रुटि उत्पन्न करता है, उसके माध्यम से ऐसी बहुत सारी चीजें होती है साक्षात्कार लेते समय जो कहीं ना कहीं एरर्स पैदा करती हैं और जिसके कारण साक्षात्कार संपन्न नहीं हो पाता या सही सूचना का आदान प्रदान नहीं हो पाता। अब ऐसी कौन कौन से एरर्स हैं जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति से होता है, एक बात, पहली बात यह है शारीरिक प्रतीति और मुद्राओं की बात हुई है, फिजिकल अपीयरेंस एंड गेस्चर की बात हुई है। देखिए एक एक पॉइंट समझने की बात है, शारीरिक प्रतीति और मुद्रा। कहा गया है कि साक्षात्कार में त्रुटि उत्पन्न करने का एक मुख्य स्रोत साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति की अवांछित शारीरिक मुद्रा और उसकी प्रतीति है, अपीयरेंस है। जब साक्षात्कारकर्ता की शारीरिक प्रतीति या मुद्रा सूचनादाता के लिए अनुकूल तथा वांछित होती है,
मतलब उसके द्वारा जो फिजिकली गेस्चर्स दिखे जाते हैं या फिजिकली अपियरेंस दिखाया जाता है, यदि सूचनादाता के साथ अनुकूल है तो ऐसी परिस्थिति में सूचना देने वाले व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो पॉजिटिवली इस चीज को फेस करता है और बिना बाधा के, बिना भय के वह सूचना प्रदान करता है। लेकिन वहीं यदि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति की मुद्रा ठीक नहीं है, उसका फिजिकली अपियरेंस ठीक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। एक वैज्ञानिक है कॉज, KATZ, कॉज, कॉज का ये अध्ययन कहता है कि ऐसी परिस्थितियाँ का साक्षात्कार के लेते समय यदि होती है तो साक्षात्कार कंप्लीट जो है अच्छे तरीके से संपन्न नहीं माना जा सकता। मतलब इंटरव्यूअर जो है उसके द्वारा जो फिजिकली अपियरेंस है, शारीरिक भाव भंगिमा है, उसके द्वारा जो गेस्चर्स है, उसके जो हाव भाव है, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसको जो सूचना दाता है उसको वो एक्सेप्ट करे, उसके फिजिकली अपीयरेंस से सूचना दाता भयभीत ना हो जाए या तनाव में ना आ जाए। यदि ऐसा होगा तो सही सूचना नहीं देगा सूचना दाता, क्लाइंट सही सूचना नहीं देगा, वो सारी सूचनाएं छुपा लेगा। इसलिए जरूरी है कि यदि आप साक्षात्कार लें एज ए काउंसलर तो आप इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि हम ऐसे ही हाव भाव का प्रदर्शन करें, ऐसे ही फेशियल एक्सप्रेशन का प्रदर्शन करें जिसको क्लाइंट्स जो है, जिसको इंटरव्यूई जो है, क्लाइंट्स सूचनादाता उसको एक्सेप्ट करें, ये बहुत मायने रखता है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, प्रश्न पूछने का ढंग, मैनर्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, दूसरा पॉइंट देखिए इसके अंदर, प्रश्न पूछने का ढंग। कहा जाता है कि सूचनादाता का उत्तर किसी प्रश्न के संबंध में कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे किस ढंग से वह प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि जब प्रश्न पूछने का ढंग अनुकूल होता है तो सूचनादाता सही उत्तर देना पसंद करता है, और वही यदि प्रश्न पूछने का ढंग गलत होता है तो सूचनादाता सही उत्तर देना पसंद नहीं करता। ये गॉर्डन का अध्ययन कहता है। फिजिकली अपीयरेंस के बाद क्या बात हो गई, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं चाहे वो संरचित हो चाहे वो असंरचित साक्षात्कार हो, हम जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होना चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए जिसको सूचनादाता प्रॉपर वे में समझ पाए, नहीं समझे तो उसको समझाया जाए पॉजिटिवली। क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के पास, कि वह सूचना प्राप्त करे, अंतिम उद्देश्य वही है उसका, कि विषय से संबंधित, समस्या से संबंधित वह सूचना कितना जानता है वो प्राप्त करे। तो प्रश्न पूछने का तरीका, झुंझला करके प्रश्न नहीं पूछना चाहिए या गुस्से में आकर के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे ये व्यक्ति जो है कोई बदला ले रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है या मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है या मुझे बेवजह जो है मतलब तनाव देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ये साक्षात्कार का जो नेचर नहीं होता है। साक्षात्कार का नेचर ये है कि आप प्रश्न ऐसे तरीके से पूछें, इस प्रकार से पूछें ताकि व्यक्ति उसको समझ सके अच्छे से और उसी प्रकार से वह उत्तर भी अपना दे सके जितना वो जानता है। तो प्रश्न पूछने का एक तरीका भी मायने रखता है। तीसरी बात आई है समूह संबद्धता की, ग्रुप एफिलिएशन की। समूह संबद्धता क्या है, इसके बारे में कहा गया है कि साक्षात्कारकर्ता की समूह संबद्धता का प्रभाव भी सूचनादाताओं के प्रतिक्रियाओं पे पड़ता है, रिस्पॉन्स पे पड़ता है। इसलिए ऐसा इसलिए कहा गया है कि सूचनादाताओं को इस बात का यदि ज्ञान हो जाए कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इस धार्मिक समूह का है या अमुक व्यक्ति इस समूह वर्ग का है या इस समाज का है या इस संप्रदाय का है या इस राजनीतिक दल का है या फलना धार्मिक संगठन का है, तो ऐसी स्थिति में जो दी जाने वाली सूचना है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। मतलब यदि उसको ये पता चल जाए कि इस पैनल में या काउंसलर इस धार्मिक संप्रदाय का है या इस सामाजिक समूह का है या इस वर्ग का है या इस प्रकार के राजनीतिक दल का है, तो ऐसी परिस्थिति में जो क्लाइंट्स होता है, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, वो अपनी सूचनाओं को छुपा लेता है।
ऐसा ना हो कि ये मेरे बारे में सारा चीज जान ले। ये यहां पर में दिखता है, इसको बोलते हैं समूह संबद्धता, ग्रुप एफिलिएशन। तो हम ये किताब जो है, जिस किताब से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये देखिए इस किताब का नाम है, मैं इसलिए एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, ये किताब है मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां, मोहम्मद सुलेमान और दिनेश कुमार इसके राइटर हैं। उन्होंने एक उदाहरण क्या दिया है, इस उदाहरण को समझिए, बड़े अच्छे से उदाहरण उन्होंने दिया है। वो कहते हैं यदि सूचना देने वाला मुसलमान हो, देखिए सूचना देने वाला यानी इंटरव्यूई, क्लाइंट्स की बात हो रही है, यदि मान लीजिए मैं क्लाइंट्स हूं, मुझे इंटरव्यू देना है और मैं मुसलमान हूं, और मुझे यह पता चल जाए कि साक्षात्कार लेने वाला का संबंध RSS या BHP से है, विश्व हिंदू परिषद से है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी वास्तविक सूचना नहीं दे सकूंगा। अब आप समझ में आ गए, अब आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये उदाहरण थोड़ा सा अटपटा है, अटपटा मतलब इन द सेंस ये नहीं कि ये संदर्भित उदाहरण नहीं है, बहुत बेजोर उदाहरण है, लेकिन एक राइटर का ये कर्तव्य नहीं था यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि यह यहाँ पर इस तरह के उदाहरण देने की जरूरत पड़ती, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बेबाकी तरीके से रख दिया है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक हो, मतलब मुसलमान हो, और उसे यह पता चल जाए कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति RSS का समर्थक है या विश्व हिंदू परिषद का समर्थक है, तो वह अपनी सूचना को छुपा लेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको आप दूसरे वे में भी कह सकते थे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, यदि कोई धार्मिक संप्रदाय का है या कोई मतलब किसी राजनीतिक दल का है या कोई पार्टी विशेष का है या कोई ऐसी विचारधारा से संबंधित है जो हमसे कहीं मेल नहीं खाता हो, तो ये जो मतलब संबद्धता है, जो ये जो एफिलिएशन है जिसके माध्यम से हम ये सोचते हैं कि हम अपने इंटरव्यू देंगे तो सक्सेस कर जाएंगे या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक भाव आ जाता है कि इस व्यक्ति के सामने हम अपनी सारी बातों को कैसे कहेंगे जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता है। तो यहां पर मैं ये समूह संबद्धता, अब है कि अगला पॉइंट है सूचनाओं के अभिलेखन की विधि, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। अक्सर साक्षात्कार के समय कुछ न कुछ कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो ये अध्ययन से ये पता चलता है कि साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के द्वारा दी गई सूचनाओं के अभिलेखन उनके सामने ही यंत्रों के द्वारा या पेपर पेन के द्वारा करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जो है, प्रतिकूल प्रभाव सूचनादाता पर पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में वास्तविक सूचना देने में सूचनादाता संकोच महसूस करता है। जब साक्षात्कारकर्ता अपनी स्मृति के रूप में सूचनाओं का अभिलेखन करता है तो सूचनादाता वास्तविक सूचना देने में संकोच नहीं करता। मतलब ये कि आप जब फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं और जो व्यक्ति को सूचना दे रहा है, जो उत्तर दे रहा है, और हम यहाँ कुछ कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, A+, A+, या अच्छा है या अच्छा जवाब दे रहा है, कुछ न कुछ रिटिन वर्क कर रहे हैं या कोई रिकॉर्डिंग मशीन है उससे व्यक्ति को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रुक जाइए मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू किया, हाँ थोड़ा सा और आवाज़ तेज कर दीजिए, रिकॉर्डिंग चालू, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति घबराएगा कि नहीं घबराएगा। इसीलिए कहा गया है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के उपरांत व्यक्ति को ठीक है थोड़ा बहुत पेपर पेंसिल का यूज कर सकता है, लेकिन वो बराबर उधर भी देख रहा है और लिख भी रहा है, उधर भी देख रहा है और लिख भी रहा है, तो इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव जो है क्लाइंट्स पर पड़ता है, वो सोचता है कि क्या लिख रहा होगा व्यक्ति, अच्छा लिख रहा है कि बुरा लिख रहा है, कि सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव उसके दिमाग पर पड़ता है। अब है पांचवा पॉइंट है नेचर ऑफ प्रॉबिंग, अन्वेषण का स्वरूप। अन्वेषण का स्वरूप क्या है, खोजने का स्वरूप क्या है, कभी कभी साक्षात्कारकर्ता द्वारा गलत खोज के कारण भी साक्षात्कार में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अन्वेषण का मतलब खोजना, जब साक्षात्कार लेने वाला सूचनादाताओं को अधिक से अधिक गहन, इंटेंसिव तथा गुप्त सूचनाएं, सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने के लिए विवश करता है, तो सूचनादाताओं में साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है और वे उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं, इस तरह वास्तविक सूचना प्राप्त करने में कठिन बन जाता है। निस्संदेह आप जिस विषय से, जिस समस्या से संदर्भित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट क्वेश्चंस पूछेंगे,
या जो व्यक्ति के हर्ट, जो व्यक्ति को हर्ट करे, या जो व्यक्ति को धार्मिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से उसको लगे कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं हमसे, ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना नहीं चाहिए, या इस क्वेश्चन का आंसर हमारी समस्या से कोई संबंध नहीं रखता है, तो यदि ऐसी परिस्थिति कक्षा कक्ष में आ जाए, साक्षात्कार के कक्षा कक्ष में यदि आ जाए और काउंसलर के सामने यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए और काउंसलर के द्वारा ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएँ और इंटेंसिव क्वेश्चन, गहन गंभीरतापूर्वक क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देकर, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, ये आपसे समस्या से संबंधित है, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में सूचनादाता चाह करके भी जो है वह अपनी समस्या से संबंधित सूचना नहीं दे सकता है। तो ये भी त्रुटि कभी कभी देखा गया है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति के द्वारा होने वाली गलती, जो साक्षात्कार के समय साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के साथ गलती होती है। अब है कि जो साक्षात्कार दे रहा है यानी क्लाइंट्स, रिस्पोंडेंट्स जो है, उससे जो गलतियां होती है उससे भी साक्षात्कार में व्यवधान होता है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो पहला, जिस प्रकार से साक्षात्कारकर्ता का स्वभाव था उसी प्रकार से यहां सूचनादाता का भी स्वभाव, रिस्पोंडेंट्स मेकर, यानी कहा गया है कि साक्षात्कार में त्रुटियों के उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत सूचनादाता यानी साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति खुद होता है। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति में ही कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं जिनके कारण साक्षात्कार दोषपूर्ण बन जाता है और सही सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला, साक्षात्कार में शामिल होने की इच्छा का अभाव, लैक ऑफ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू, साक्षात्कार में शामिल होने की इच्छा का अभाव। कहा गया है कि जब सूचनादाता में साक्षात्कार में शामिल होने की इच्छा का अभाव होता है तो पर्याप्त मात्रा में वास्तविक सूचनाओं या डेटा को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। कॉर्विन 1970 ईस्वी में उनका यह अध्ययन किया हुआ है। हमें ये समझ नहीं आता कि हम इस साक्षात्कार में शामिल हों भी या नहीं हों, मतलब हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस इंटरव्यू में भाग लूं, या ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भाग ले रहा हूं। देखा देखी वो कर रहा है तो मैं भी करूं। तो देखा देखी जब अकर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी इच्छा के अनुकूल सारे काम होंगे, आपकी रुचि नहीं लगेगी, मन नहीं लगेगा, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप सही सूचना दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो सूचनादाता की एक गलती यह होती है कि यदि वह साक्षात्कार में शामिल होने की इच्छा नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी उसको शामिल किया जा रहा है या खुद से हो रहा है, तो गलतियां होंगी, साक्षात्कार कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सही सूचना कलेक्ट नहीं हो पाएगा काउंसलर्स के द्वारा। तो यहां पर मैं ये भी चीज ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? बोलने की क्षमता का अभाव, लैक ऑफ कैपेसिटी टू वर्बलाइज। क्या है लैक ऑफ कैपेसिटी टू वर्बलाइज? कहा जाता है कि जब सूचनादाता में साक्षात्कार के विषय या समस्या से संबंधित अपने विचार, अपने भाव तथा संवेगों को बोलकर समुचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती तो साक्षात्कार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। लेन 1962 में उनकी ये स्टडी कही गई है। मतलब आपने साक्षात्कार कंडक्ट करवाया, क्लाइंट्स ने, काउंसलर ने कंडक्ट करवाया, लेकिन जो क्लाइंट है, जो सूचनादाता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, वह अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता, वह अपने भावों को अभिव्यक्त कर नहीं पाता, वह अपने विचारों को एक्सप्रेस कर नहीं पाता, तो क्या साक्षात्कार का उद्देश्य पूरा हो सकेगा? बिल्कुल नहीं हो सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी कभी कभी साक्षात्कार जो है कंप्लीट वे में नहीं जा पाता और परिणाम ये होता है कि साक्षात्कार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तीसरा है संदेह एवं आशंका। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, डाउट एंड सस्पिशन। ये डाउट एंड सस्पिशन क्या है? कि जब क्लाइंट्स द्वारा साक्षात्कारकर्ता को संदेह तथा आशंका की दृष्टि से देखा जाता है तो वह जानबूझकर सही सूचना को छिपा लेता है और गलत सूचना देता है। इस तरह प्राप्त सूचनाएं या आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहता है कि यदि क्लाइंट्स, यदि रिस्पोंडेंट्स को यह पता चल जाए, या यदि रिस्पोंडेंट्स
साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को संदेह और आशंका की दृष्टि से देखे तो वह यह तय कर लेता है कि हमें इसको सही सूचना नहीं देना है। अक्सर ऐसा इंटरव्यू में देखा गया है। यदि कभी कभी ईगो भी हो जाता है, साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ या मैं सब कुछ बता सकता हूँ, तो कभी कभी वो इतना बताने के चक्कर में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि सारा गुड़ गोबर हो जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि साक्षात्कार बोर्ड में या साक्षात्कार में जो व्यक्ति बैठा हुआ उसको ये खुद देखने लगता है कि पता नहीं इसको मेरे विषय का ज्ञान है भी या नहीं है। ये देखिए संदेह, डाउट कर रहा है मेरे विषय, जिस विषय में हम आए हैं बताने के लिए या जिस विषय के बारे में ये सोचना चाहता है, इस विषय का ज्ञान इसको है भी या नहीं है। इस तरह के संदेह शंका करने लगते हैं व्यक्ति, जो सूचना देने वाला व्यक्ति होता है। और कहीं ना कहीं वह बहुत बड़े अहंकार के शिकार हो जाते हैं, अहं के शिकार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अपने सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाता, क्योंकि वह ऐसा उसको फील लगने लगता है कि इन लोगों के बीच में हम क्या बोलेंगे जो मेरी बात को ही नहीं समझेगा, या मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये डाउट, ये संदेह जब वातावरण जब वहाँ उपस्थित होगा तो निस्संदेह साक्षात्कार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो संदेह और आशंका तो बिल्कुल आप नहीं होना चाहिए सूचनादाता के द्वारा, क्योंकि उस वो अपनी सूचना देने के लिए आया है। सूचना लेने वाला जो व्यक्ति है, इंटरव्यूअर जो है, उस पर छोड़ दीजिए कि वह क्या करेगा नहीं करेगा, वो उस पर छोड़ दीजिए। आपका काम है अपना उत्तर देना, प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका संदर्भित उत्तर देना। आप आशंका और संदेह करेंगे तो फिर साक्षात्कार अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगा। उसके बाद है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, मिमेंटिक टेंडेंसीज को बोलते हैं अंग्रेजी में। कहा गया है कि कभी कभी साक्षात्कार में त्रुटि इसीलिए भी हो जाती है कि सूचनादाता वैसा ही उत्तर देना चाहता है जैसा उत्तर साक्षात्कारकर्ता चाहता है, अतः वह साक्षात्कारकर्ता के अभिप्राय के संबंध में पहले अनुमान लगाता है और फिर उसी के अनुकूल उत्तर देता है। इसीलिए प्राप्त सूचना या आंकड़े वैध तथा विश्वसनीय नहीं हो पाते। व्हाइटलेस 1964 ईस्वी में इसने अध्ययन किया हुआ है। मतलब इंटरव्यूअर जो है जिस प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है उसी प्रकार से या उसी वे में जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वह भी उसी वे में अपनी सारे सूचनाओं को प्रदान करता चला जाता है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि यह व्यक्ति जो पूछना चाह रहा है मैं उसका आंसर तो दे ही रहा हूं और जैसा चाहता है मैं वैसा ही दूं, वैसा दे भी रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी जानकारी, कुछ और भी मतलब संदर्भित कोई जानकारी यदि चाहे तो दे, तभी वो वैध और विश्वसनीय आंकड़े होंगे, वैध और विश्वसनीय सूचनाएं दे सकेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछा, बताइए कि आप आपके अंदर जो है आप व्यक्ति के साथ समायोजित होने में, मैंने एक काउंसलर एक क्लाइंट से पूछ रहा है कि आप किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों? तो सूचनादाता ये उत्तर देता है कि ये मेरे ऊपर है, मैं उसके साथ बैठा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए, या मैं उसके साथ क्यों बैठा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ बैठना। तो ये जो डिप्लोमेटिक आंसर है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसा ही जवाब दिया गया। लेकिन आप और भी चीज रखिए ना, वास्तविक सूचना क्या है? वास्तविक सूचना यहाँ ये होनी चाहिए एज ए सूचनादाता कि पता नहीं मैं जब व्यक्ति के सामने बैठता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति से हेजिटेशन होता है, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ लेकिन बात नहीं कर पाता, ये मेरे अंदर एक प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है, मैं उसको टोक नहीं पाता हूँ, मैं टोकना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको टोक नहीं पाता, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ लेकिन कन्वर्सेशन कर पाता, तो ये जो हेजिटेशन मेरे अंदर है वो हेजिटेशन कैसे दूर होगी? या व्यक्ति जिसके साथ मैं बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो ये जो धारणा है
ये जो सूचना है यही तो रियलिस्टिक डेटा है, तभी तो क्लाइंट्स के लिए जो काउंसलर है उस पर वो काम करेगा और उससे बात करेगा यहाँ कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। सबसे पहला तो आप हेजिटेशन नाम की चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ आप बात करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, जो व्यक्ति आपके साथ बैठा है आप उसको टोके, यदि आपके साथ वो बातचीत करने में कंफर्टेबल है तो बातचीत करें, सूचनाओं का आदान प्रदान करें या उसके साथ अपना कन्वर्सेशन करें, अपना दुख सुख बांटें, इससे टाइम भी निकलेगा और आपको अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का भी अवसर मिलेगा। इंटरव्यूअर जो है वो ऐसे ऐसे तकनीक लगाएगा तब जब व्यक्ति के द्वारा सही सूचना दी जाए। तो ये जरूरी है कि हम जो सूचनादाता, जो क्लाइंट्स जो आंसर दे रहा है वो वास्तविक हो और उसके साथ साथ वो सारी चीजें जुड़ी हो जो सूचनादाता के लिए या सूचना देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम उसी पर होना है, समस्या का समाधान उसी पर करना है। तो यदि आप समस्या से संबंधित सभी सूचनाएं साक्षात्कारकर्ता के सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, काउंसलर के सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, केवल इतने कह देने से कि मैं उसके साथ बैठने में अनकंफर्टेबल फील करता हूं या मैं बात नहीं कर पाता इसलिए मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहता, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा बोर्ड चाहता है या जैसा काउंसलर चाहता है वैसा ही सूचना देना नहीं, आप अधिक से अधिक सूचना दीजिए ताकि काउंसलर उस पर अधिक से अधिक जोर दे करके गंभीरतापूर्वक उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और फिर आपसे वो सारी चीजों की अपेक्षा करेगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो इस तरह से घबराहट, नर्वसनेस, अक्सर साक्षात्कार में नर्वसनेस होता है। हम यदि अनजाने व्यक्ति से भी बात करते हैं तो नर्वसनेस होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि जो साक्षात्कार जो हम करते हैं उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक नया वातावरण क्रिएट होता है, एक नई 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 प्रकार का एनवायरनमेंट रहता है, और जब उस एनवायरनमेंट में सूचनादाता जाता है तो कभी-कभी वह घबराहट के कारण या घबराहट जो स्वभाव है उसका, उसके कारण जो है वह अपनी सभी सूचनाओं को प्रकट नहीं कर पाता, परिणाम साक्षात्कार जो है वो दोषपूर्ण बन जाता है। इसीलिए साक्षात्कार के समय घबराहट के जो कारण हैं, साक्षात्कार के समय जो घबराहट होती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्नों का उत्तर जो है स्टूडेंट्स या जो व्यक्ति है वो नहीं दे पाता, परिणाम स्वरूप क्या होती है कि सूचनाएं वैध और अविश्वसनीय हो जाती हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे, साक्षात्कार में शामिल होने की इच्छा का अभाव, बोलने की क्षमता का अभाव, संदेह एवं आशंका करना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, घबराहट, ये सब चीजें इंटरव्यूवी के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी क्लाइंट्स के साथ, रिस्पोंडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि यह ऐसा होता है साक्षात्कार के समय तो निश्चित रूप से वास्तविक सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती। अब तीसरा जो सोर्स है वो तीसरा सोर्स है समस्या का स्वरूप, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ये स्वरूप क्या है? साक्षात्कार में त्रुटियों के उत्पन्न होने का तीसरा स्रोत अध्ययन विषय या समस्या का स्वरूप है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम है। क्या है? जब समस्या अधिक जटिल होती है तो साक्षात्कार प्रभावशील नहीं हो पाता, इफेक्टिव नहीं हो पाता, और इसी तरह जब समस्या का स्वरूप गुप्त होता है तो साक्षात्कार के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। और अध्ययनों से, रिसर्च से ये पता चला है कि अपने निजी जीवन, अपने बच्चों तथा अन्य निकट संबंधियों से संबंधित साक्षात्कार प्रायः विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं। मतलब यह समस्या है कैसा? समस्या का स्वरूप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर ऐसा होता है जब अब एक मैं उदाहरण देता हूं, जब आप किसी डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए और जब डॉक्टर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, आपकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप सही तरीके से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, या जो आप बोलते हैं वो काउंसलर नहीं समझ पा रहा है, यानी डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, जो और डॉक्टर जो बोल रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या बीमारी का समाधान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो करने का मतलब यह है कि समस्या का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप पर ज्यादा ध्यान देना। यदि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें उसी प्रकार के सवाल पूछने होंगे और उसी प्रकार के जवाब भी हमको चाहिए।
नहीं तो फिर क्या होगा, फिर जनरलाइज हो जाएगा, जो सही सूचना है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। पूछा जा रहा है कि आपको बुखार है, आपको बुखार, आपने रात में क्या क्या खाया, तो आप कह रहे कि सर रात में तो मैं चावल तो खाया था लेकिन उसके साथ थोड़ी सी चटनी भी खा ली, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि सर मैंने दही भी खाई थी, या आप ये बताना भूल गए उसके साथ कि सर मैंने दही का जूस भी पिया था, या मैं ठंडा भी पिया था, या मैं आइसक्रीम भी खा लिया था, ये बताना आप भूल जाते हैं। तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर केवल काम करेगा किस पे, कि आपने चटनी खाई और आपने चावल खाया, तो वास्तविक सूचना आप दे नहीं रहे हैं। जो सूचना होगा तभी तो उससे रिलेटेड जो दवाइयां हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप सूचना नहीं देंगे सही तरीके से, या अपने जानकारी सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उस पर काम नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड केस कब बढ़ता है, जब सही सूचना यदि आप नहीं देते हैं डॉक्टर को, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, रेफर करना पड़ जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल रेफर करने पड़ जाते हैं। तो ये तो हॉस्पिटल की बात होगी, डॉक्टर और मरीज के बीच की बात है, यही काउंसलर के बीच होता है। यदि आप सही तरीके से सूचना नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन, या आपसे संबंधित जो जानकारी है, या आपसे संबंधित जो समस्या है, उसका प्रॉपर समाधान नहीं हो पाएगा। तो समस्या का स्वरूप कैसा है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान रखिए, पर्सनल लाइफ सबका पर्सनल होता है, सीक्रेट लाइफ सबका सीक्रेट होता है, उससे संबंधित ज्यादा सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो आप इससे संबंधित ज्यादा से सवाल जवाब ना करें, आप जो समस्या है उस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, उससे ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से हम साक्षात्कार के दो टॉपिक के बारे में मैंने आपको चर्चा की। एक तो मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दिया था कि साक्षात्कार जो हम करते हैं उसमें कौन कौन सी परिस्थितियों का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा टॉपिक मैंने आज इस पर भी डिस्कशन किया है कि साक्षात्कार में जो त्रुटियों के स्रोत हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की। थोड़ी सी चर्चा मैं चाहता हूँ कि साक्षात्कार को उन्नत कैसे बनाया जाए, मेरा ये तीसरा टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव इंटरव्यू, साक्षात्कार को उन्नत कैसे बनाया जाए, इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स, मेजर मेजर पॉइंट्स आए हैं। पहला है साक्षात्कारकर्ता से संबंधित उपाय, मेजर्स रिलेटेड टू इंटरव्यूअर। कहा गया है कि साक्षात्कार को उन्नत तथा प्रभावशील बनाने के लिए कुछ ऐसे उपायों का प्रयोग करना चाहिए जिससे साक्षात्कारकर्ता से होने वाले त्रुटियों का द्वार बंद हो सके। इसके लिए कौन कौन से उपायों का उपयोग करना चाहिए, पहला तो ये कि साक्षात्कारकर्ता की जो फिजिकल अपियरेंस है वो सूचनादाता के अनुकूल होनी चाहिए, पहले चर्चा हो चुकी है। साक्षात्कारकर्ता की जो मुखाकृति है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो फ्रेंडली होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, और शारीरिक हाव भाव अनुकूल होना चाहिए, फिजिकली गेस्चर पोस्चर जो है वो मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता का जो दृष्टिकोण है, मतलब सोच है या अप्रोच है, वो न्यूट्रल आना चाहिए, उसको किसी तरह का फैसिनेशन जो है नहीं होना चाहिए। इसका हिंदी मीनिंग आया मोह माया, मोह माया आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक होता है वो चीज़ कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी प्रकार का कोई तनाव से ग्रसित है, तो वो सारे तनाव जो है क्लाइंट्स पर उतार रहा है, ऐसा देखा गया है। तो इससे नहीं होना चाहिए, वो तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता पूर्व धारणाओं से ग्रसित नहीं हो, साक्षात्कर्ता को विचार कुशल तथा व्यवहार कुशल होने के साथ साथ वाणी कुशल भी होना चाहिए, व्यवहार कुशल भी हो, विचार कुशल भी हो, और वाणी कुशल भी हो। तो ये साक्षात्कारकर्ता से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस समस्या या विषय के संबंध में साक्षात्कार के द्वारा सूचना प्राप्त करना हो, उसके संबंध में साक्षात्कारकर्ता को पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, स्पेशलिस्ट स्पेशल अपियरेंस मैं इस पर देना चाह रहा हूँ, या स्पेशल स्कोर अंडर लाइन करना चाह रहा हूँ कि जिस विषय से संबंधित जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, तभी तो आप अच्छे से साक्षात्कार कर पाएंगे या ले पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें साक्षात्कार को उन्नत बना सकती हैं, काउंसलर को इन सब सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब है सूचनादाता से संबंधित उपाय, मेजर्स रिलेटेड टू रिस्पोंडेंट्स। कौन कौन से उपाय, सूचनादाताओं को स्वस्थ मन का होना चाहिए, जो क्लाइंट्स है उसको हमेशा हेल्दी वातावरण में अपने हेल्दी जो मेंटालिटी है उसको प्रूफ करना चाहिए।
उन्हें चाहिए कि वे साक्षात्कारकर्ता पर किसी तरह का संदेह ना करें, पूरे विश्वास के साथ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें, कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों के उत्तर दें। साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि उनके संदेह को दूर करने का प्रयास करें। यदि किसी प्रकार का कोई संदेह सूचनादाता को लगता है साक्षात्कार के प्रति या क्लाइंट काउंसलर के प्रति, तो उस संदेह उस आशंका को भी एज ए काउंसलर आपको दूर करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि वह सूचनादाताओं में साक्षात्कार में शामिल होने की इच्छा को पैदा करे, मतलब उसकी विलिंगनेस को पैदा करे। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सूचनादाता को सहयोग के लिए भुगतान किया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, उसकी सुविधा के अनुसार साक्षात्कार किया जा सकता है तथा उन्हें विश्वास दिलाया जा सकता है कि उनके उत्तरों को भी गुप्त रखा जाएगा। अक्सर देखा गया है कि बोर्ड में जो है साक्षात्कार में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, तो कुछ न कुछ फैसिलिटीज देने पड़ते हैं। आने जाने का खर्चा दे दिया, खाने पीने का खर्चा दे दिया, या तमाम तरह की सुविधाएं उसको दे दी, फैसिलिटी दे दी, बस की सुविधा दे दी या रहने की सुविधा दे दी, बहुत तरह की सुविधा दे दी। तो इसमें क्या होता है कि यदि इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से साक्षात्कार कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो जो क्लाइंट्स है वो न चाहते हुए भी चाहता है कि नहीं हमें जाना चाहिए, तो यह भी एक मेजर सॉल्यूशन है अच्छे साक्षात्कार को कंडक्ट कराने के लिए। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं के साथ पहले बातचीत के द्वारा रागात्मक संबंध रैपर्ट जो है रिलेशनशिप स्थापित करना चाहिए। रागा मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध, मतलब आप उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध करिए, उसे ऐसा न लगे कि मैं कहाँ आ गया इस नए वातावरण में, ये कौन है मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करिए, फ्रेंडली फ्रेंडशिप करिए उसके साथ। फ्रेंडशिप यदि कर लेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके आप कैसे आए हैं, आपको आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मतलब कुछ जनरल क्वेश्चन जो है बच्चे को पूछिए या क्लाइंट्स को पूछिए, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, एब नॉर्मल से नॉर्मल हो जाए, और तब जो है आप समस्या से संबंधित सारे क्वेश्चन रखिए बारी बारी से वन बाय वन। और जब से लास्ट में समस्या से संबंधित उपाय मेजर्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, साक्षात्कार को उन्नत तथा प्रभावशील बनाने के लिए समस्या के स्वरूप से संबंधित कई उपायों को व्यवहार में लाया जा सकता है। इस संदर्भ में सबसे उत्तम तरीका यह है कि किसी समस्या के संबंध में इस ढंग से प्रश्न पूछे जाएं कि वह समस्या विशिष्ट प्रतीत न हो या बिल्कुल सामान्य प्रतीत न हो, न तो ज़्यादा विशिष्ट लगे न ज़्यादा सामान्य लगे, मिडिल हो, मिनिमाइज करके चले। हेल्सन ने 1968 में कहा था, क्या कहा, कि जब समस्या सामान्य प्रतीत होती है तो सूचनादाता को प्रश्नों के उत्तर देने में कोई संकोच नहीं होता, यदि विशिष्ट तरह की समस्या है और सामान्य तरीके से उसके प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं तो सूचनादाता सूचना देने में एकदम कंफर्टेबल फील करता है और इस प्रकार से वो अपनी सारी सूचनाओं को देता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। अभी कुछ और सेकेंड मैं अब चाहता हूँ, लास्ट डिस्कशन मेरा रहेगा इसी साक्षात्कार के ऊपर कि साक्षात्कार के जो गुण अवगुण हैं, हालांकि साक्षात्कार के जो टाइप्स आपको बताए उसमें संरचित और असंरचित और मिश्रित साक्षात्कार मैंने आपको बताया था और उसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, लेकिन ओवरऑल साक्षात्कार के मेरिट और डिमेरिट्स की चर्चा हम करेंगे और इस वीडियो को हम वहीं विराम देंगे। तो साक्षात्कार के जो लाभ हैं, एडवांटेज हैं, जो मेरिट्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा पहले करें। साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन साक्षात्कार के द्वारा कम समय में, मतलब कम से कम समय में हम अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर लेते हैं, ये साक्षात्कार का पहला गुण है। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्लाइंट्स पूर्णतः जिसमें साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति पूर्णतः या आश्वस्त हो जाता है कि रेस्पोंडेंट ने पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या ठीक ढंग से की है या नहीं। मतलब जो इंटरव्यूअर है वह पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है साक्षात्कार के माध्यम से कि व्यक्ति ने जो अपनी सूचनाएं हमें दी है या इन्फॉर्मेशन हमें तक पहुंचाने का कोशिश किया वो सही है या नहीं है। इससे व्यक्ति, मतलब साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, काउंसलर जो है वह पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है कि यह सही है या नहीं है। तो ये एक गुण है इसका। तीसरी चीज़ है कि साक्षात्कार में प्रश्नों में लचीलापन होता है जिसके कारण जो काउंसलर होते हैं उन्हें कम समय में गहन जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसके अंतर्गत यदि मान लीजिए साक्षात्कारकर्ता के द्वारा या काउंसलर के द्वारा पूछा गया और बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसको दोहराया जाता है या उसको और एक्सप्लेन कर दिया जाता है ताकि
जो क्लाइंट्स है वो अच्छे तरीके से सुविधापूर्ण तरीके से अपने उत्तर को साक्षात्कारकर्ता के द्वारा सम्मुख प्रस्तुत कर सके, तो यह भी एक उसका गुण हुआ। चौथा है कि साक्षात्कार में जो काउंसलर है उसके लिए परिस्थिति पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से परिणाम यह होता है कि साक्षात्कर्ता उचित प्रश्नों को पूछ पाता है तथा साथ ही साथ रिस्पोंडेंट भी उसका उत्तर सही सही ढंग से दे पाता है। साक्षात्कार की जो अपना एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना चाहिए, एनवायरनमेंट को बहुत जनरल भी नहीं करना चाहिए, बहुत हाई नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अलग वातावरण निर्मित हो जाता है उसमें, ना तो बोर्ड या काउंसलर अच्छा फील करेगा ना ही रेस्पॉन्डेंट अच्छा फील करेगा। तो परिस्थिति पर काबू करना चाहिए। तो इसके लिए आपको तीन जो बातें स्टार्ट में मैंने कही, अधिगम्यता, संज्ञान और अभिप्रेरणा, इस तीन पर हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, वही परिस्थितियां यहाँ काम देगी। चौथी पांचवी बात है कि साक्षात्कार में क्लाइंट्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्डेंट से कुछ अशाब्दिक संकेत भी प्राप्त करते हैं, मतलब नॉन वर्बल क्यूज भी प्राप्त करते हैं, यानी काउंसलर जो है वो जो रेस्पोंडेंट है उसकी भाव भंगिमा का भी अवलोकन कर पाता है, जो शायद अन्य रिसोर्सेज में नहीं दिखा गया है, और इससे प्राप्त संकेतों के आधार पर में रेस्पोंडेंट के दिए गए उत्तरों का अर्थ सही सही ढंग से लगा पाता है साक्षात्कारकर्ता। मतलब काउंसलर के द्वारा जब क्वेश्चन पूछा गया और यदि कोई भाव भंगिमा पॉजिटिवली या नेगेटिवली यदि सूचनादाता के द्वारा दिखाई जाती है या की जाती है, तो वह समझ में आ जाता है कि वह अपने विचारों को कितना अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यह भी साक्षात्कार के द्वारा यानी इस तकनीक के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक लाभ यह भी है साक्षात्कारकार का कि इसका प्रयोग सभी तरह के व्यक्तियों पर, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी पर आसानी से किया जा सकता है। निस्संदेह साक्षात्कार हम किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं, हाँ बल्कि उसके उसको बोलने की योग्यता होनी चाहिए, मौखिक तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, लेखन भले ना आवे लेकिन मौखिक तरीके से अभिव्यक्त कर सके, तो हम अशिक्षित व्यक्ति से भी और शिक्षित व्यक्ति दोनों से भी हम इस प्रकार के साक्षात्कार को हम ले सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो है साक्षात्कार के प्रमुख गुण कहिए या विशेषता कहिए या उसके मेरिट कहिए या एडवांटेज कहिए। अब हम जो लिमिटेशंस डिसएडवांटेज की बात करें यानी डिमेरिट्स की बात करें, डिमेरिट्स में क्या क्या है कि साक्षात्कार में जो रिस्पोंडेंट है उसके द्वारा दी गई शाब्दिक अनुक्रिया की वैधता को शोध वैज्ञानिकों ने चुनौती दिया है, चैलेंज किया है। कैसा चैलेंज किया है? कहते हैं कि साक्षात्कार में कही गई बातों के अनुसार शायद शायद ही कभी रिस्पोंडेंट अपनी वास्तविक जिंदगी में अंतःक्रिया करता है, अतः साक्षात्कार में दी गई शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय अधिक वैध नहीं माना जा सकता। ये जरूरी तो नहीं है कि आप जो चीज पूछ रहे हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में करता ही हो सकता है वो व्यक्ति नहीं करता हो और कहने की कोशिश कर रहा हो कि हाँ मैंने किया है या मैं करना जानता हूं या मैं कर सकता हूं। तो यहां पर मैं कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि व्यक्ति सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इससे क्या होता है कि साक्षात्कार का जो वैलिडिटी पॉइंट है, वैलिड जो है वो नहीं हो पाता। दूसरा का क्या है, देखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता का ध्यान यानी काउंसलर का ध्यान साक्षात्कार के दौरान रेस्पोंडेंट द्वारा की गई अनुक्रियाओं पर ठीक ढंग से नहीं जा पाता। जैसे यदि साक्षात्कारकर्ता काफी थका हुआ है, काउंसलर काफी थका हुआ है, तो वह रेस्पोंडेंट की अनुक्रियाओं को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के आधार पर कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष पहुंचना संभव नहीं है। मतलब जो काउंसलर है यदि वो थका है या किसी मानसिक अवसाद से ग्रसित है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी तनाव से ग्रसित है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई सूचनादाता किसी प्रकार का रिस्पॉन्ड करता है या भाव भंगिमा हाव भाव का प्रदर्शन करता है या उसके सही चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार का जो मूल उद्देश्य है वह कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये दूसरा जो है दोष ये साक्षात्कार का है। साक्षात्कार का तीसरा दोष है आत्मनिष्ठता का गुण, सब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता पहले से ही कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं, आशंकाओं, पूर्व कल्पनाओं को लेकर के साक्षात्कार में पहुंचता है और ऐसे में आत्मनिष्ठा के कारण जो काउंसलर होते हैं या साक्षात्कारकर्ता होते हैं वो रिस्पोंडेंट के बारे में कुछ आवश्यक अनुमान, व्याख्या आदि करना प्रारंभ कर देता है, जिससे साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। यदि कोई काउंसलर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, यदि काउंसलर यदि पूर्व कल्पनाओं से ग्रसित हो जाए
और उससे उस वो अपना एक टेंडेंसी बना ले कि साक्षात्कार के दौरान मुझे साक्षात्कार तो लेना है लेकिन मुझे परेशान ज्यादा करना है, परेशान ज्यादा करना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो साक्षात्कार है वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा विराम लगाने की जरूरत है। ऐसा देखा जाता है कि प्रत्यर्थी को या रिस्पोंडेंट को झुंझला दिया जाता है या उसको गलत वे में लेके चले जाते हैं साक्षात्कार बोर्ड या काउंसलर के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में आप सही सूचना नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा साक्षात्कार थोड़ा सा समय भी लेता है, हालांकि कम समय में हम सूचना प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन यदि हमें अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करनी हो तो ज़्यादा समय भी लेता है, चाहे वो संरचित हो चाहे वो असंरचित हो। संरचित में पहले से ही क्वेश्चन निर्धारित रहते हैं और असंरचित में जो है क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब एट दैट टाइम जो डिमांड होगा उस हिसाब से। तो कहा गया है कि इसमें थोड़ा सा समय भी लेता है। कभी कभी साक्षात्कार आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा बड़ा साक्षात्कार 20-25 आधा घंटा 1 घंटा तक कभी साक्षात्कार होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एक और है इसमें कि साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता कुछ लिखता है तो इससे, तो ये बात पहले भी आ गई है कि उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है पड़ता है क्लाइंट्स के ऊपर में। तो बच्चों आज हम लोगों ने 4 विषयों के बारे में जाना। पहला विषय मेरा था कि आप साक्षात्कार जो करते हैं उसकी जो परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। साक्षात्कार के समय कौन कौन सी त्रुटि होती है काउंसिलर के द्वारा या रिस्पोंडेंट के द्वारा या समस्या के स्वरूप से संबंधित, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने चर्चा यह भी की कि साक्षात्कार के दौरान जो है हम लोग उसके डिमेरिट और डिमेरिट पॉइंट्स को भी जाने, मेरिट और डिमेरिट पॉइंट्स को भी जाने, और हमने ये भी जाना कि साक्षात्कार को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो ये लंबा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप निश्चित रूप से इसको पढ़ें, समझें, देखें और बार बार देखें, अधिक से अधिक देखें, ये मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। धन्यवाद, धन्यवाद।